करते हैं। सरकारी विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विज्ञापन में पार्टी और नेता का फोटो ना हो। किसी भी सरकारी विज्ञापन में किसी नेता का या फिर किसी पार्टी का कोई फोटो नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, यानी कि किसी भी तरह की सरकारी योजना हो या फिर कोई भी उपलब्धियां बतानी हो सरकार की, उसमें किसी नेता का किसी सरकारी नुमाइंदे का फोटो नहीं हो सकता? बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपको उपलब्धियां बतानी है तो उपलब्धियां बताने के लिए फोटोग्राफ की जरूरत नहीं होती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाबत 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। सुप्रीम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकारी विज्ञापन में ना तो पार्टी का नाम होगा, ना ही पार्टी का सिंबल या लोगो होगा, इसके अलावा ना ही पार्टी का झंडा होगा, ना ही किसी पार्टी के नेता की फोटोग्राफ होगी। इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि सरकारी विज्ञापन में केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की फोटो होगी, वो भी ये तय करेंगे कि फोटोग्राफ लगनी चाहिए या नहीं। हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान भी, यानी चुनाव प्रचार के दौरान भी अगर वो चाहें तो सरकारी विज्ञापन दे सकते हैं। अब देखना, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यहाँ पर आपको बीच में रोकूंगी क्योंकि प्रशांत भूषण इस मामले पर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में? ये कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने 2 जनहित याचिकाएं दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि सरकारी विज्ञापनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, यानी कि जो सरकार है उसके मंत्रियों की फोटोएं लगाई जा रही हैं, सरकार के पार्टी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और सरकारी पैसा राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सनालिटी कल्ट को बढ़ावा देता है और अगर कोई भी सरकारी इश्तेहार में अगर किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री की फोटो पब्लिश होती है तो वो इसका दुरुपयोग माना जाएगा। चलिए, प्रशांत भूषण जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है।